हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो केक है बहुत ही स्पेशल है और ये जो केक है बन रहा है घर के लिए ही। मेरी बहन का बर्थडे है तो उसके लिए मैं केक बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने केक जो है 6 इंच के बेस वाले बर्तन में बनाया है, जो घर का ही बर्तन था मेरे। और उसके बाद मैंने बेस 1 कप प्रीमिक्स से बनाया है। लगभग 1/2 kg का केक बनेगा और उसको मैंने 3 लेयर्स में कट कर लिया। फर्स्ट लेयर रखी, उस पर मैंने पानी और जो क्रश था कुल्फ़ी फालूदा का, मैं कुल्फ़ी फालूदा फ्लेवर का केक बना रही हूँ तो कुल्फ़ी फालूदा क्रश डाला और उसे सॉक कर लिया। फिर उस पर मैंने व्हिपिंग क्रीम लगाई, अच्छे से स्प्रेड कर दी, फिर जो है वापस क्रश डाला। इस तरह से मैंने तीनों लेयर असेंबल कर दी अच्छे से और उसको क्रम कोट कर लिया। फिर कम कोट करने के बाद मैंने उसको वापस थोड़ी देर से फ्रिज में रखा ताकि क्रीम जो है वो सेट हो जाए, तो ऊपर जो हम क्रीम लगाएंगे उसकी लुकिंग अच्छी आएगी और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो ये जो केक है मैं कुल्फ़ी फालूदा फ्लेवर में बना रही हूँ। ये फ्लेवर जो है वो उनके लिए नया था, मैं बनाती हूँ। मेरे पास 4-5 फ्लेवर ही है अभी, तो मैं यहाँ मेरे आस पड़ोस में से जो ऑर्डर आते हैं, एक चॉकलेट फ्लेवर, कुल्फ़ी फालूदा फ्लेवर, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, इस टाइप से मैं 4-5 फ्लेवर का केक ही बनाती हूँ अभी। तो मैंने यहाँ लाइट पिंक की डेकोरेशन, लाइट पिंक कलर का केक चाहिए था उसको, तो मैंने लाइट पिंक कलर की व्हिपिंग क्रीम से केक को अच्छे से फाइनल लुक दे दिया, अच्छे से फिनिशिंग दे दी। और फिर मैंने ऊपर पैलेट नाइफ से जो डिज़ाइन बनाई है वो मुझे खुद ही पसंद नहीं आ रही थी तो मैंने उसको वापस मिटा दिया और वापस दूसरी डिज़ाइन बनाऊंगी, वो भी मैं पैलेट नाइफ से ही बनाऊंगी। तो हम सब भी गए थे उसके बर्थडे के सेलिब्रेशन में, तो मैं उसकी पिक भी आप लास्ट में शेयर करूंगी। तो इस पर जो है मैंने येलो कलर से सनफ्लावर बनाए हैं, तो आप वीडियो पूरा देखना मैंने कैसे सनफ्लावर बनाए हैं। तो यहाँ सनफ्लावर बनाने के लिए मैंने पहले नोज़ल के पीछे वाले हिस्से से यहाँ मार्किंग कर दी ताकि सनफ्लावर जो है वो एकदम राउंड शेप में बने और उसका लुक अच्छा है। फिर मैंने यहाँ व्हिपिंग क्रीम में येल्लो फूड कलर डालकर येल्लो कलर की क्रीम बना ली और उससे मैंने यहाँ सनफ्लावर बनाए हैं। सनफ्लावर बनाने की कोशिश करी लेकिन सनफ्लावर जो है वो अच्छे से बने नहीं, लेकिन लुकिंग जो है फ्लावर की अच्छी आ रही थी। और लास्ट में केक का जो लुक आ रहा लुक था बहुत अच्छा आ रहा था, उसको भी केक बहुत पसंद आया। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस तरह से मैंने 3 फ्लावर तो है जो केक के ऊपर बनाए और 1 फ्लावर जो है मैंने साइड में बनाया। तो साइड वाला जो फ्लावर था उसकी लुकिंग बहुत अच्छी आ रही थी केक की, और नीचे जो है मैंने स्टार्स बना दिए येलो कलर की व्हिपिंग क्रीम से और बीच में डाल दिया गनाश। ये गनाश जो है मैंने 2:1 रेशो में बनाया है, मतलब 2 भाग डार्क कंपाउंड और 1 भाग उसका व्हिपिंग क्रीम मेल्ट करके बनाया, ताकि ये जो डॉट डॉट आते हैं, डॉट डॉट बनेंगे अंदर तो गाढ़ा गनाश होगा तो ही बनेंगे, बाकी वो गनाश जो है सब मिक्स हो जाएगा तो सनफ्लावर वाली लुकिंग नहीं आएगी। तो इस तरह से मैंने फ्लावर बना दिए और फिर साइड में जो है वाइट कलर की व्हिपिंग क्रीम से चेन वाली डिज़ाइन बना दी हल्के से। थोड़े थोड़े मैंने स्प्रिंकल्स, गोल्डन और सिल्वर स्प्रिंकल्स डाल दिए ऊपर, उससे केक का लुक बहुत अच्छा आ रहा था। और ऐसे हमारा केक हो गया रेडी। तो थैंक यू। Happy birthday to you, happy birthday dear Nupur, happy birthday.